तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आ चुके हैं यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर, और इस तरह का पेपर क्वेश्चन पेपर सेट किया समझ में नहीं आ रहा। जितने पेड कोर्स वाले एक क्वेश्चन नहीं फंसा है। जितना मैराथन क्लास कोई भी लिया हो, चाहे ऑफिसर्स एकेडमी हो, चाहे चंद्रा हो, चाहे अध्ययन मंत्र, कोई भी हो, मैं दावे के साथ इस वीडियो में कह रहा हूँ, जितना आप दावा करते हैं क्वेश्चन नहीं फंसा पाए। क्या क्वेश्चन का लेवल रहा आप बताइए सही, क्या क्वेश्चन का लेवल रहा? अगर हम देखें क्वेश्चन का लेवल, अगर पीआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई है, जिसमें पीआरटी का अगर जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन उसमें आया या नहीं है। तो आप इसमें कहीं से पढ़े थे, यूट्यूब से पेड कोर्स लिए थे? हम पेड कोर्स भी हमने लिया है, और यूट्यूब से हमने खान सर का पेड कोर्स भी लिया है, यूट्यूब से हमने भी पढ़ा है, लेकिन उसमें से कोई भी क्वेश्चन, सब मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब हाई लेवल पर, कोई क्वेश्चन इसमें से मतलब फंसा नहीं पाए, ना सीआरटी पता, ना एनसीईआरटी का पता। और आपके अनुसार जो है जो लेवल था वो तो कठिन था ही, कट ऑफ कितना जा सकता है इस स्थिति को देखकर? अगर इस स्थिति को देखें तो कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं कि 80 प्लस कट ऑफ नहीं जा सकता। और हमको तो ऐसा लग रहा 60 प्लस भी नहीं जाएगा इस तरह का कंडीशन को देखकर, 60 प्लस भी नहीं जाने वाला। भैया आपका क्या नाम है? पवन। पेपर कैसा रहा? पेपर का लेवल तो बहुत हाई था, और जो पढ़ाया गया था पेड कोर्स द्वारा वो कहीं फंसा नहीं था। आपने सर कितना अटेम्प्ट किया? पूरा अटेम्प्ट किया, क्योंकि मास मार्किंग था नहीं, कितना लग रहा सही हो सकता है? सर मेरा 60+ हो सकता है। 60+ वही सबका वही लग रहा है। और सेंटर पर देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और मेरा खुद का पेपर था जो कि बहुत ही खराब रहा। सबका यही कंडीशन है यहाँ पे आने वालों का। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कैसा रहा।